बसमिल्लामान रहीम लेडीज एंड जेंटमन वेरी वॉम वेलकम टू मॉड्यूल वन एटी एट सो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर नॉलेज यानी एल आज हम देखते हैं तो पहली अगर आप, आप फ्रेज में देखेंगे तो एपिस्टमोलॉजी एम्फोसिस इज ऑन द जनरेशन ऑफ नॉलेज बाय एन इंडिविजुअल इन पर्सनल नॉलेज एपस्टमोलॉजीज़ इसके ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ यानी इलमयात इमियात को मैं एक नए तर्ज के साथ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इल्म तीन किस्म के होते हैं एक इल्म यकीन है एक एन यकीन है एक हक यकीन हक़लयन यकीन यानी आपकी प्रोवाइडेड नॉलेज जो है यानी जो इंफॉर्मेशन आप तक आई उसके मुताबिक ने एक ख़ास शक्ल दी और यानी एक ख़ास ऑब्जर्वेशन के तहत जो चीज़ का नाम आपने रखा वो आप तक आ गया फिर एनलयीन यकीन आपने आंखों से देखा और आंखों से उसकी किसी सूरत को देखा और कोई शक्ल इख्तियार दी और फिर उसकी हयत को देखते हुए आपने उसका एक नाम रख दिया अगेन बेस्ड ऑन द वेरी रीसेंट डेटा यानी कुर्सी को आज कुर्सी कहा जाता है लेकिन दस हज़ार साल पहले क्या कहा जाता था क्या कभी वो थी भी या नहीं थी तो पत्थरों पर अगर बैठने को नशस्त कहा जाता था या अगर खाना खाने की टेबल को डाइनिंग टेबल आज कहा जाता है तो इससे पहले सफरा कहा जाता था अरबों में सफरा कहा जाता है तो ये तर्जें तब्दील होती गई है तब्दील हो गई तो यकीन दूसरी फॉर्म बन गई एक है हक्कुल यकीन क्या अब आपको यकीन की उस फॉर्म में आ गए यानी ग्राउंडेड रियलिटी यानी ग्राउंडेड नॉलेज जो कि यकीन यानी रियलिटी का इल्म है जबकि ब्यूटी और फिक्शन का नहीं अब इल्मुल यकीन यानी दूध सफ़ेद होता है फिर यकीन आपने देख लिया फिर आपने देख लिया कि सत्तर फ़ीसद पानी है और तीस फीसद इसके अंदर कीमियाई के, जज्वियात हैं तो उससे आपके जिसम को क्या तकवीत और कुत आती है तो ये अब आप हकुल यकीन के मुकाम पर पहुँच गए तो इसको जो है ये जैसे मैंने आपको बताया ये कशुल महजूब के भी चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो पहला चैप्टर आपको यही मिलेगा ये जस्ट फॉर द रेफरेंस मैंने आपको कहा लेकिन एपेस्टमोलॉजी को जो है फ़लसफ़े की ज़ुबान में बहुत अहमियत हासिल है तो आप भी जब भी इम की कोई भी शाख को पकड़ेंगे तो आप कोशिश करें कि ग्राउंडेड रियलिटी तक पहुंचने की कोशिश करें उसका एक रेफरेंस होता है एक कॉन्टेक्स्ट होता है जैसे रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट अगर आपस में नहीं मिलेंगे तो फिर सांप की पूजा होगी सूरज की पूजा होगी यानी उन्होंने वक्त देखा उन्होंने कहा कि सूरज गलत वक्त पे आए तो फसलें या सही होंगी या तबाह होंगी सांप काट ले तो उससे खौफ पैदा होता है तो बहुत सारी हिंदुस्तान के अंदर जो बहुत सारे खुदा पैदा हुए तो वो खौफ की वजह से पैदा हुआ तो उनके पास जो इल्म आया उस इल्म ने उनको ये खौफ अता किया और खौफ उनका खुदा हो गया यानी खुदा खौफ और खौफ खुदा लेकिन हमारे पास जो तो इल्म आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपने अपने रब को जिस सब से पहचान लिया यानी वो रहमान है तो मुकम्मल तौर पर आपके लिए रहमान ही है अगर वो रहीम है तो आपके लिए मुकम्मल तौर पर रहीम ही है यानी आपको माफ़ करने वाला है तो मुकम्मल तौर पर माफ़ करने वाला ही है यानी एग्जाम्पल के तौर पे रिफ्लेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्शन या आपने एक आइडिया भी पढ़ा होगा इसको रिफ्लेक्शन ऑफ द केव भी कहा जाता है और एरिस्टोटल के पुराने आ, अगर आप फलसफे में देखें तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी अब मैं आगे चलता हूँ कि आपको जो नॉलेज है इलमियात जो है वो जनरेट करके क्या देता है वो आपको एक इंडिविजुअल और एक पर्सनल नॉलेज बना के देता है अच्छा यह तो आप बड़ा मक़् बन जाते हैं यानी हायर हेड या जिसको गॉड हेड भी कहा जाता है और गॉड हेड मन करके आप बाकी इंडिविजुअल्स को उस डायरेक्शन की तरफ ले जाते हैं यानी जो नाम आप रखेंगे वही लोग आप बाकी नाम रख लेंगे यानी ये कैसा अजीब इल्म है कि अगर आप हायर हेड की तरफ चले गए तो बाकी इंडिविजुअल्स आपके मोहताज हो गए यहीं से कॉन्सेप्ट ऑफ द लीडर एंड द फॉलोअर्स आ गया यानी आपने कुर्सी नाम रखा तो सबने कुर्सी कह दिया आपने कहा कि खुदा ये है तो उन्होंने वही मान लिया आपने यहाँ देखें कि गुरु मुर्शिद अहादी रहनुमा ये इस तरह के नाम आना शुरू हो गए यानी किसी न किसी को तो खुदा के रूप चलते रहे फिर जब खुदा की मनाफी का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर उसके बाद और दर्जे शुरू होना शुरू हो गए लेकिन हर किसी ने एक हायर हेड को माना जरूर यानी हु कैन लीड तो इन जिसके पास ज्यादा होगा डेटा बेस ज़्यादा होगा और जो भी ग्राउंड रियलिटी को प्रूफ कर देगा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्सट तो वो ज्यादातर पर जो है वो वाज इलम की सतह बन जाएगी अब आगे चलता हूँ Organizational science, however, is preoccupied with the capture collection, creation, utilization, and sharing of knowledge in collective context, which is itself is very much clear, that preoccupied captured collections are. That you have creation created, utilization, hai, sharing of knowledge, and you have to take that only organizational development, the things which are available to available the rise of the knowledge economy,

गुरबत तो वहीं रहेगी सतह गर्बत भी वहीं रहेगी जी डी पी लो हो रहे हैं आपकी ओजोन लेयर्स आपकी ख़राब हो रही हैं आपकी साइंटिफिक वैल्यूज़ ख़राब हो रही हैं आपकी ह्यूमन वैल्यूज़ ख़राब हो रही हैं एथिकल वैल्यूज़ ख़राब हो रही हैं आपने देखा होगा कि कहाँ बेहतरी की जाने माना चाहिए था लेकिन हम सोसाइटल uh, बेस के ऊपर जवाल की तरफ जा रहे हैं लेकिन डिजिटलाइजेशन जो है वो इस तरफ दूसरी फॉर्म पकड़ रही है यानी सिक्स जी सेवन जी एट जी नाइन जी तक जा रहे हैं यानी इंटरनेट की स्पीड आपकी फास्टर देन एवर हो रही है अच्छी स्पीड ऑफ़ फ्लाइट से हम आगे जाना शुरू हो गए अब हयातियातीम के अंदर भी देखें तो हमारे जो जिसम के जो है वो हयातियाती निज़ाम जो है वो बढ़ना शुरू हो गए अब इधर कॉन्सेप्ट जो है वो एक ज़माने में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट जो हुआ करता था वो स्टीव जॉब्स होते थे जिन्होंने टच पर दुनिया को लिया है अब दुनिया के लिए सब्जेक्ट एलोन मस्क बन गए यानी वो कामयाब तरीन तौर पर वो आपको स्यारों में लेके जा रहे हैं और आपको स्पेस पे लेके जा रहे हैं स्पेस विजिट्स करवा रहे हैं और आपको जो है वो मरीख के ऊपर आपको प्लॉट दिलवा रहे हैं सो सो एंड सो फोर्थ तो दुनिया एक नई डायरेक्शन की तरफ चली गई गुरबत सब्जेक्ट कहीं का था आ, मालियाती निज़ाम फाइनेंशल निज़ाम इकनॉमिक निज़ाम माशी निज़ाम ये अलग रहे तो आपने ये देखा कि फिक्शन हमेशा से एक सब्जेक्ट रहता है लोगों को अनसीन का एक जो है वो क्रेज़ हमेशा से रहता है वो रियलिटी से बहुत सारे नन्यानवे फ़ीसद लोग नुकसान इसलिए उठाते हैं वो हमेशा रहते ही फ़िक्शन में लेकिन बाज ये फ़िक्शन उनको जिंदा भी रखती है उनको लगता है कि मनोसलवा एक दिन उतरेगा उनको लगता है कि अचानक से एक चीज़ उतर जाएगी उनको लगता है अचानक से जब वो सुबह उठेंगे तो उनके तकिए के नीचे कुछ पैसे पकड़े पड़े होंगे वो एक लॉटरी लगाएंगे और अरबों रुपए उनकी जेब में आ जाएगा सो तो ये हमेशा से इंसानी फितरत के अंदर है कि वो मोजा देखना चाहता है अच्छा कुछ लोग इस पर ज़्यादा यकीन भी लेते हैं कुछ को मिल भी जाता है अच्छा अब ये लेकिन क्या ये स्ट्रक्चरल साइंस के मुताबिक है नहीं इसको ऐसे नहीं देखना देखिए ब्यूटी है फिर आपकी फिक्शन है फिर रियलिटी है बट द ग्राउंडेड रियलिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है लेट्स हैव अ लुक ऑन अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज पैराडाइम अगर मैं नीचे से देखूं जैसे मैंने आपको अर्ज की कि तो इल्म बनता है डेटा से फिर बनता है इंफॉर्मेशन से फिर बनता है नॉलेज से फिर आखिरी दर्जा जो है वो विजडम का है जिसको मैं हायर हेड बोलता हूँ हायर हेड या गॉड हेड बोलता हूँ अच्छा इब्न खलदून ने भी और इब्न रोशद ने भी और इसके अंदर जो है वो आ, इसके जो आ, आपके जो ए, अकलियात के जो दस आ, आ, लेवल हैं उसके अंदर सबसे आगे जो है वो विजनान की कैफियत को रखा है विजदान जो है वो बाजुकात इंट्यूशन को भी कहते हैं इसको अगर मैं सेग्रीगेटेड कर दूं तो टेट और एक्सप्लिसिट नॉलेज की डिवाइड होती है तो विजडम से बहुत रेलिवेंट टेसिट नॉलेज है यानी जिसको इंट्यूटिव कहते है। और नॉलेज हैं। वो, या पे चलते है। वो, वो इल्म जो बहुत कम डेटा बे, बेस पर होता है इंफॉर्मेशन है वो भी अवेलेबल है फिर नॉलेज है वो भी आपके एक्सपीरियंस है वैल्यूज है आपके जो कॉन्टेक्स्ट हैं अप्लाइड मैसेजेस हैं वो तो होंगे लेकिन जो विजडम है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट सॉर्ट यानी कलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज इन एक्शन अब मैं ये देखता हूं तो अगर आप ये देखें तो ग्राउंड ट्रुथ है इसके अंदर विजडम के अंदर मुझे ग्राउंड ट्रुथ की तरफ जाना है मैंने कहा कि हक्कुल यकीन अगर आप कहें तो उससे मैं विजडम को पकड़ लूंगा विजडम वो है जैसे शेख सादी ने विजडम लिखी विजडम ये है जैसे मियाँ यानी मियाँ मोहम्मद बख्श ने लिखी इसी तरीके से अगर आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे अलूम हैं जब मौल रूम को अगर देखते हैं तो विजडम की बेस पर आते हैं ये वो यकीनी मामला हैं ये वही वो वो यकीनी चीज़ें जो कि अंदर से आपको मिलती हैं फिर रियलिटीज़ का देखना जैसे मैंने आपको अर्ज की कि अनदेखी चीज़ जो है वो आपको अट्रैक्ट करती है तो कुरान मजीद में आपको जो है वो एक बर्जखी दुनिया के बारे में बताया गया कि ये दुनिया आपकी खत्म हो गई ये खत्म नहीं है ये ट्रांजिशन है फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन ट जो है वो दुनिया आपने जाना है उसको आप विजडम बेस पे रखते हैं इसी तरीके से दुनिया को तब्दील करना नहीं होता मौलया रूम ने कहा कि पहले मैं चलाक था तो मैं दुनिया बदलना चाहता था अब मैं समझदार हो गया हूँ तो मैं अपने आप को तब्दील करना चाहता हूँ ये जो अपने आप को तब्दील करना है यानी सिर्फ अपने अंदर तब्दीली देखना है ये विजडम है और इसकी बुनियाद के ऊपर जब आप प्रोडक्ट लाते हैं सर्विसेज लाते हैं तो वो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट होती है फिर वो इनोवेशन के अंदर भी एडिंग वैल्यू होती है फिर आप वैक्सीनेशन बनाते हैं फिर बिल गेट्स का सब्जेक्ट जो है वो आई नहीं रह जाता फिर बिल गेट्स इंसानियत से ऊपर चला जाता फिर वो आपके लिए वो एक ऐसी चीज है शाहकार बनाता है जिसके अंदर सोशल वेलफेयर सोशल फिलोद्राफी सोशल डेवलपमेंट और पूरी दुनिया को इंसानों को जो है वो एक आसानी फ्राहम करने का एक निज़ाम पैदा हो जाता है उसके अंदर अगर आप देखें तो जो एडिंग वैल्यू है उसमें एक्शन एफिशिएंसी एंड वाइज डिसीजन अच्छा देखिए कई ऐसी तकलीफ आपने देखी होंगी कि जितने भी बड़े लोग हैं उनको खुदा ताला बाजुकात ऐसी तकलीफ मर्ज दे देता है और फिर उनसे एक खास काम करवा देता है आपने वैक्सीनेशन देखी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का एक किस्सा मैंने आपको सुनाया तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अगर एक परसेंट के ऊपर जो दिया उन्होंने वैक्सीनेशन पेंसिलीन का पेंसिलीन जो थी उसके बाद जब उन्होंने अगर एक परसेंट भी लेते तो चार मुल्कों का बजट बनता था जब इनिशियली उनको ऑफर किया गया तो बीस परसेंट का था लेकिन उन्होंने इंसानियत के लिए आम कर दिया तो आज तक वो एक सिलसिला चला और आज तक जितने भी लोग हैं जिनको खुदा देता है तो देने वाले से जो काम वो करवाता है इस साइंस को इस अनसीन को आप समझने की कोशिश करें और फिर जब आप इंसानियत के लिए काम करेंगे खुदा आपके हाथ से एक ऐसा काम करवा देगा जिसके ऊपर किसी ने कहा कि ये वैक्सीनेशन आप ही के हाथों से क्यों निकली अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से पूछा पेंसिलीन आप ही के हाथ से आए क्यों आए उनका जो वर्ल्ड वॉर टू में लाखों लोग मर रहे थे उनमें से हजारों लोग इस पर काम कर रहे थे और उसकी इंफेक्शन जो इन्फेक्शन होती है उसके लिए पेंसिलीन कोई भी ईजाद कर सकता था लेकिन ये रहमत का पोटला होता है ये मेरे ऊपर गिर गया इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें खुदाबंद का यानी अल्लाह अल्लाहद शरीक का एक ऐसा अजीब मुज्जा होता है जो मेरे पर गिरा से तो ठपा मुझसे लग गया तो इनोवेटर एक ही है आपके नाम से अगर कोई चीज आ गई तो इसका मतलब है आप उसके फै कौन है इनमा अमर आर लहु कुन कौन तो ना आया हूं ना लाया गया हूं हर्फ कुन हूँ फरमाया गया हूं तो आप उसके कौन हो जाए तो फून आपके हाथों से हो जाता तो कौन उसने कहना है फैकून आपकी तरफ से हो जाना दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड यानी ग्राउंडेड रियलिटी ऑफ द नॉलेज तो आप जब इस बुनियाद पर आते हैं और इस बुनियाद पर एंटरप्रेन्योर बनते हैं सो यू कैन सी वंडर्स थैंक यू वेरी मच